नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल एक सड़क दुर्घटना में एक्टिवा सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका एक दूसरा साथी बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना दिवासील मार्ग पर हुआ। इस दुर्घटना में मोहम्मद हुसैन यार मोहम्मद खान 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कौसा रसीद कंपाउंड चरनीपाड़ा का रहने वाला मोहम्मद हुसैन पेशे से फ्रिज एसी का मैकेनिक था। सिबली नगर में रहने वाले मोहम्मद जहूर के साथ किसी ग्राहक के यहाँ रिपेयरिंग करने दीवा गया था, मगर दीवा से लौटने के समय दीवा सील मार्ग पर पीछे से आ रही बुलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोहम्मद हुसैन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में हुसैन का दूसरा साथी जहूर घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ये हादसा डंपिंग ग्राउंड के पास हुआ, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले दिवा पुलिस चौकी के अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। कानूनी कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने बुलेरो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।